मैं दिया खामोश अदब। मैंने देखा कि तुम अपनी माँ से मुझसे लड़ती रहती। आजकल के बच्चे जो है ना, अम्मी आपको नहीं पता। नहीं अम्मी आपको नहीं पता, हमें समझा रहे होते हैं, हमने सारी ज़िंदगी गुजारी है, अब आज के बच्चे हमें समझा रहे हैं अम्मी ये क्या कर रही हैं, ये इस तरह नहीं होता, ये इस तरह नहीं होता। उससे मुझे गुस्सा आ जाता है कि भाई हमने लाइफ गुजारी है, तुमने गुजारी, हमारे बच्चे हो गए ना, लेकिन आप भी बच्चे। ऐसे लगता है कि जैसे हम बच्चे हो गए और ये हमारी माएँ बन गई हैं सारी। आजकल तो सारे बच्चों का यही हाल है, जहाँ जाओ हर बच्चा यही कहता है। शाज़िल से शादी का फैसला क्यों किया? अच्छा आदमी था, खूबसूरत था, है मेरा मियाँ। खूबसूरत है ये दरअसल। ये आपने उसकी उसकी शक्ल पे आके शादी की? शक्ल और दिल दोनों। पाकिस्तान में हम सबको मिलके ही काम करना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता रियाना। तो यही पर हम कर रहे हैं, मैं और अम्मी तो अब डेफ लोगों के लिए पहले भी करते थे। रियाना बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो पाकिस्तान के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन किए, मैं खड़े होकर सलाम करना चाहता हूँ आपको। इनका ख्याल रखना है, लड़ना नहीं है, माँ तेरे से ज़्यादा जानती है, तू माँ को ना सिखा। हमें बड़ी ज़रूरत है अपने आप को सेंसिटाइज करने की। हम कहीं ज़िंदगी के मेले में, सियासतों में, खेलों में भूल जाते हैं कि कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी आसान नहीं, तो उनके लिए आसान करनी चाहिए। वेलकम करोती नजर, आप देख रहे हैं जिंदगी विद साजिद हसन और मैं एक्चुअली साजिद हसन हूँ। जहाँ शक्ल बदलती रहती है, अदाकारों की एक जैसी शक्ल वैसे भी आप लोग रिजेक्ट करते रहते हैं, तो मैं तो हर रोज़ एक नई शक्ल बना के आना चाहता हूँ। और क्योंकि सर पे एक अजीब सा एक निशान भी आ गया है, तो ये बाल जो हैं ये अब आपको चिढ़ाते रहेंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे कह रहे हैं कि तू करना क्या चाह रहे हैं, मैं तुम क्या करना चाह रहे हो। मैं इस किस्म की हरकतें करता रहूँगा, क्योंकि अदाकार काम ना इस किस्म की हरकतें ना करें तो मज़ा क्या आए लाइफ में आप लोगों को। और अदाकारों में आजकल जो सियासतदान अदाकार हैं वो हमसे बहुत बड़े अदाकार हैं, उनको भी ज़रा गौर से देखिए क्या क्या झूठ बोल जाते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह इनको नज़र बद से ना बचाए। जी आज इंतहाई अहम दो शख्सियात माँ बेटी मैंने बुलाए हैं दोनों को। उनको बड़ी मेरी खुशकिस्मती कि दोनों के पास एक साथ वक्त था। दोनों इंतहाई मसरूफ़ तरीन लोग हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब रिहाना इफ्तिखार की। अस्सलाम वालेकुम। और द सुपरस्टार, द सुपर डुपर डुपर स्टार मदिया इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले आपको बताता चलूं कि मॉडल एक्टर मदिया इफ्तिखार को पहली बार ड्रामा पार्टीशन में एक सफर का किरदार अदा करते हुए देखा गया। इसके अलावा ड्रामा सौतेली, आजती तुझ पे कुर्बान, मन से पूछो, कितनी गिरें बाकी हैं मेरी बहन, मेरी देवरानी, अल्लाह समेत, दिल का धुआं, मुख्तलिफ ड्रामों में अदाकारी कर चुके। अदाकार मदिया इफ्तिखार शादी के बाद दुबई शिफ्ट हो गए हैं, क्यों ये उनसे पूछें? और इसी वजह से वो मीडिया से भी दूर हो गई। नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, क्यों झूठ लिख दिया किसी ने। इसके अलावा उनके वालिद इफ्तिखार अहमद मरहूम, मैं उनका इंतहाई बड़ा फ़ैन। आपको पता मैंने 19 से सीखे साइन लैंग्वेज, बड़ी अरसे तक कोशिश करता रहा लेकिन मेरे अंदर वो सलाहियत नहीं थी। वो बहुत आगे अभी तक कलाई में दर। इनके वाले इफ्तिखार अहमद मरहूम PTV का एक बहुत बड़ा नाम थे, सतून थे, बल्कि उनका नाम हमेशा रहेगा PTV के फाउंडर मेंबर्स में से, जिन्होंने मॉडलिंग के अलावा शोज़ भी किए जिनमें बोलते आप एक इंतहाई इम्पोर्टेंट प्रोग्राम इशारों की जबान शामिल है। इन्होंने पहली बार पाकिस्तान में साइन लैंग्वेज मुतारिफ की, विच इज़ अमेजिंग। आप देखें कि आज तक अगर कोई भी साइन लैंग्वेज में अगर आप कोई स्टूडेंट ऐसा देख रहे हैं तो इफ्तिखार साहब की मरहून मिन्नत है। कार्टूनिस्ट भी थे और उन्होंने सियासतदानों के कार्टून भी बनाए। यूनिसेफ USAID के साथ काम किया, डेफ कम्यूनिटी के उस्ताद रहे, डिसेबल पीपल के चेयरमैन रहे और मुख्तलिफ NGOs के साथ काम किया। इसमें ये छोटी छोटी जो बातें कर रहे हैं हम NGOs के साथ काम किए, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। बहुत सारी जिंदगियों को छुआ उन्होंने, उन्होंने उनकी ज़िंदगी में चेंज लाए और बहुत बड़े बड़े काम करके गए इफ्तिखार भाई। और जाहिर है कि जब उन्होंने ये काम किए तो हमेशा उनके साथ एक खातून रही हैं और वो हैं रिहाना इफ्तिखार। आइए उनसे पहले बात करें। मदिया खामोश अदब। मैंने देखा कि तुम अपनी माँ से मुझसे लड़ती रहती। अभी नहीं, अभी 5 मिनट पहले भी खाते। अच्छा रिहाना नहीं, क्यों ये आप एक तो मैं रियली आप अगर क्योंकि हम तो उनको इतना जाहिर है
करीब से नहीं देखा जितना ज़ाहिर एक बीवी और आपने जिस तरह से उनका साथ हमेशा दिया और उन्होंने आपका, तो आप अगर तो आपसे मैं कहूँगा तीन मिनट के लिए उनकी ज़रा उनके बारे में बताएं कि आप एज ए वाइफ उनको कैसा पाया, कैसे इंसान थे। उनकी जितनी मैं तारीफ करूँ वो बहुत कम है, और माशाल्लाह बहुत अच्छी आदत के प्यार फलखलूस हर एक के साथ मोहब्बत करने वाले, और सबसे बड़ी चीज़ अगर कोई एक दफ़ा उनसे मिलता था ना तो उनको भूलता नहीं था, हमेशा याद रखता था कि कौन है ये। उनकी पर्सनैलिटी इतनी माशाल्लाह इतनी अच्छी थी कि इंतहा नहीं है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया और मैं उनके साथ होती थी हर जगह पे, साथ होती थी, उन्होंने जो भी काम किया मैं उनके साथ होती थी हर जगह पे। मगर यह है कि उनकी यादें तो बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्होंने मैं क्या क्या बताऊं कि क्या कुछ किया उन्होंने। लेकिन मैं आपसे पूरी डिटेल है उनकी लंबी। एक तो वो बात तो जाहिर ही नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते थे, मगर ये था कि मुझे भी साइन नहीं आते थे शादी से पहले। अच्छा, तो साइन जो है मैंने शादी के बाद सीखे हैं। कितना साल लगे? भी नहीं, मैंने कोशिश की, 3 मंथ्स में मैंने सीख लिए थे क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं आते थे। दिल्ली के मुझे 10-15-20 दे के जाते थे कि ये याद करने, अगले दिन फिर मुझे दूसरे साइन दे के जाते थे कि आपने याद करने। इसका मतलब उस्ताद भी थे वो आपके? मेरे उस्ताद भी यार थे, बीवी भी थी आप उनके उस्ताद भी थे। और ये है कि मुझे 3 मंथ्स में मैंने सारे साइन सीख लिए थे उनसे। किसी ने मुझे बताया, आप उसको नहीं जानती, कि शुरू में आपने जरा थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस की, एक नॉर्मल सी बात थी, लेकिन किसी चीज़ ने आपको कन्विंस किया, वो क्या चीज़ थी? नहीं, इसकी चाहट तो मैंने महसूस नहीं की थी। मसला ये कि मेरी कज़न थी, उन्होंने मेरा रिश्ता करवाया था ये, और फर्स्ट टाइम जब मैंने उनको देखा तो नहीं था, मुझे पिक्चर भेजी गई थी कि ये बंदा है, अभी आप देख लें आपने शादी करनी है या नहीं करनी है। मेरी अम्मी अबू ने भी कहा कि तुम्हारी लाइफ है, तुमने ज़िंदगी गुजारनी है और जो करना है तुमने खुद करना है, हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। कल को तुम उठ कर मुझे कहोगे जी डिसेबल से शादी कर दी। तो मैंने जब उनको देखा कि डिसेबल है, और मुझे इतना कुछ हुआ कि मैंने कहा नहीं, मैं देखना चाहती हूँ, पिक्चर नहीं देखना चाहती, मैं ऐसे बंदे को देखना चाहती हूँ है कौन। क्योंकि मैंने जिंदगी में सिर्फ मेरे यही तो बड़ी आप आजाद ख्याल टाइप की खातून लग रही होना चाहिए ना, होना चाहिए। नहीं, नहीं, आजकल तो आप हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। औरत की एक जगह आए उसको उसी जगह देना चाहिए। जब लेकिन नाना ने भी तो आपको बोला हाँ, था। नाना ने फिर कहा नहीं, याद कराना पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं उन्होंने कहा था। नहीं मगर उनकी बात सुन लो ना, ये तो अब हम फर्स्ट हैंड नॉलेज आ रही है। अब आपकी जरूरत नहीं, इनकी शादी हुई थी, आप तो थी नहीं हो जी। तो ये है कि उनका फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो डिसेबल है। माशाल्लाह हाइट के लिहाज से हैंडसम थे, माशाल्लाह खूबसूरत थे, और फिर सबसे काबिलियत थी कि बोलते भी, बोलते भी मियां तो चाहिए ऐसा। हाँ बोलने वाला, बोलते नहीं थे, बोलते नहीं थे। सारी औरतों को यही है कि बोलते नहीं थे जी। ये तो नहीं, मैं बोलने से मुझे महसूस, बहुत बोलते थे वो। मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ अपनी लाइफ में कि वो बोलते सुनते नहीं हैं मुझे। मैं हमेशा उनको ये समझती कि नॉर्मल है, और नॉर्मल तरह से ही मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। मैंने कभी भी डिसेबल के उसमें नहीं गुजारी कि कभी मैं कहूँ जी शर्मिंदगी महसूस की हो या कुछ ऐसा, ऐसा कभी मेरी लाइफ में होनी भी नहीं चाहिए। किस बात की शर्मिंदगी है? जब मैंने उनको देखा है ना तो बस मेरा दिल एकदम वो हो जाता है ना इंसान को, कि कहते हैं ना कि ज़िंदगी तो होती है इंसान की, मगर ज़िंदगी वो होती है जो किसी के लिए जिए। वो तो सारी ज़िंदगी आपकी हेल्प करते रहे मैंने सुना। नहीं नहीं यार, मैंने सोचो ना, मदिया ने तो मुझे यही बताई थी। नहीं नहीं वो तो कि ले, मेरी वालदा तो बेचारी बहुत ही सीधी थी, वो तो इफ्तिखार साहब थे जिन्होंने दुनिया सिखाई। नहीं ऐसा तो नहीं, कुछ नहीं था, मगर ये था उनके साथ रह रहे के ना, जरा उनके साथ रह रहे के बहुत सीधे। नहीं मैं सीधी थी, मेरा मियाँ सीधा नहीं था, वो माशाल्लाह तेज थे, माशाल्लाह बहुत, मैं सीधी थी। मुझे कहते थे कि तो, ये करो तो मैं सही तो कह रहा हूं। मेरी क्या छोटी है, वो कौन से कोई बहुत बड़े होंगे, वो भी 21 साल के थे। 19 नहीं नहीं 18 19 में अब्बू कितने बड़े थे आपसे? अम्मी अब्बू होंगे मेरा, मेरे से तो मेरा ख्याल है 10 12 साल तो बड़े हैं मेरे से। अब तुम्हारा शाजिल से कितना डिफरेंस है बताओ? 1 साल का, 1 साल का सोचिए, कुछ महीने। हां कुछ महीने, साल कर लेते हैं। अभी कैलकुलेशन शुरू हुई है, इस दौरान हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। खवातीन आज़ाद, वी बी राइट बैक, कहीं वहाँ जाइए। अरे रियाना सुपरस्टार मधिया, अभी बात करते हैं। वेलकम बैक खवातीन आज़ाद, बात हो रही है रियाना और मधिया से। दोनों माँ बेटियाँ बैठी हुई हैं आज, अभी तक तो माँ बोली हैं, तुम बेटी से भी बात कर ही नहीं थोड़ी बहुत।
वालदा के बारे में बड़ी कंसर्न थी आप, ये तो बिल्कुल माशाल्लाह फर्स्ट क्लास है, ठीक ठाक हैं, बोले तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, ये है वो है। उस वक्त थी ना जब आपसे मिली थी तब थी, एक डेढ़ हफ्ता पहले, बिकॉज शी वॉजेंट वेल, और जाहिर सी बात है घर वर अपना छोड़ के कराची मूव होना, अब्बू भी नहीं थे, तो वो सारी चीज़ें इनको डिस्टर्ब कर रही थी, तो फिर अरे चलो ये छोड़ो ये तो अभी फिर मैंने जरा काउंसलिंग की। और यार तुम तो बड़ी कमाल काउंसलिंग की तो लगी, ऐसा लग रहा है जैसे माशाल्लाह माशाल्लाह यानी हंसती रहे यार, जिंदगी में हंसना ही सब कुछ है। रोता है तो आदमी अकेला रोता है, जी रोने वाला है उस भाग जाते हैं, हंसता है ना तो चार लोग आपके साथ भी तो खामोश होके है ना, किसी के सामने थोड़ी रखना है, दरवाजा बंद किया अंदर हो गया, हमारे बुजुर्ग तो दिल की भड़ास निकल गई बाहर आ गए, खुश हो जाने वाला तो चला गया लेकिन रोने के लिए तो उम्र पड़ी है, यादें तो आती है उसको तो नहीं भूल सकते, उसको कैसे भूल सकते, यादें मुस्तकिल आती है जब आप बैठे होते हैं खाम खाम, कोई काम करे जैसे मदिया कर रही है, मदिया क्या कर रही है आजकल, आजकल मैंने सीरियल खत्म किया अभी मेरी गुड़िया। अच्छा वो कहाँ से था, चैनल से ऑन एयर होगा, अभी नया चैनल आ रहा है, अच्छा उस पे ऑन एयर टेस्ट ट्रांसमिशन शुरू हो गई है उसकी, और कहाँ से तुम ये कौन से ड्रामे करती हो जो हमें नजर नहीं आते, अब आएंगे ना, अब आएंगे, अब इसलिए आएंगे क्योंकि मैंने नजर क्या स्टार्ट लिया है ना, कितने साल बाद, 7-8 साल बाद, ये 7-8 साल क्या करती रही हो तुम शादी के बाद, 6 साल तो यहाँ थी नहीं, उस बीच में मैंने मेरा हक किया था 2018 में, okay. तो वो हिट हुआ था, उसके बाद फिर मैं वापस चली गई थी दुबई, तो फिर हम जब वापस आए तो वो कोविड शुरू हो गया था। दुबई तुम चली गई हो? नहीं अब तो वापस आ गई हूँ ना, पिछले नहीं, मगर दुबई तो तुम चली गई, हाँ एक्चुअली अभी तो अगर देखा जाए तो आपका घर वही है, जी वहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, सैया भी वही है, सैया इधर भी है उधर भी है, नहीं ज्यादा कुदर है जा, इधर भी है उधर ही है, सेम ही लेवल पे चल रहे हैं। अच्छा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दुबई में हो या पाकिस्तान में? नहीं एक्चुअली हम दोनों का बड़ा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि मेरा काम इधर है ऑब्वियसली, अब मेरा काम शुरू हो गया है, अगर उसका उधर है उसको जाना है तो उसको जाना है, अब ये थोड़ी मैं साथ लटक के चल पड़ूं, क्यों नहीं, पर पिछले नहीं, ये तो लटक के चल पड़ती थी, मैं अब्बू की जरूरत थी ना, जरूरत थी ना, उनको कैसे बात समझाते, उनको तो इंटरप्रेटर भी चाहिए था, ब्रेड भी चाहिए, और फिर अगेन अम्मी सिर्फ इंटरप्रेटर नहीं थी, साथ उनके कितनी एनजीओज और ये सब लोग तो यही दोनों रन करते थे, तो अगर अब्बू नहीं होते थे तो अम्मी होती थी, अम्मी नहीं होती थी तो अब्बू होते थे, तो इन माई केस इट्स डिफरेंट, शाज़िल इज हैंडलिंग हिज ओन बिजनेस, आई एम हैंडलिंग माई ओन, तो वो चीज़ें, बट इसमें कहीं जो दो इश्क करने वाले लोग हैं उनको एक दूसरे के साथ टाइम का कुछ थोड़ा सा सेपरेशन आ जाता, डजंट दैट मैटर, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उससे आप ज़्यादा करीब हो जाते हैं, आपको रियलाइज होता है आपने कहाँ कहाँ लाइफ में दोनों मियाँ बीवी ने भंड मारा, जब गया तो तेरी याद आई है, वो जरूरी है, आई थिंक स्पेस बहुत जरूरी है, और अब शाज़िल से शादी का फैसला क्यों किया, क्योंकि अच्छा आदमी था, खूबसूरत था, है मेरा मियाँ, तुमने अजीब सी शर्त, खूबसूरत है ये, ये आपने उसकी उसकी शक्ल पे आके शादी की, शक्ल और दिल दोनों, शाज़िल दिल का बहुत प्यार, बहुत प्यार है। दिल का बहुत अच्छा इंसान है, हैं रियाना जी बहुत प्यार, आप कैसी सास हैं कि अपनी बुराई नहीं करी दामाद की, नहीं मैं दामादों की कभी जिंदगी में नहीं करती, मेरे माशाल्लाह 4 दामाद हैं, मैंने कभी किसी की बुराई आज तक नहीं की, क्यों नहीं की, मैं नहीं करती, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह सारे अच्छे, मैं क्यों बुराई करूं उनको, अपना दुश्मन खाम खा बुला, पाकिस्तान की तरह नहीं है, पाकिस्तान में तो बुराई के बगैर हम रह नहीं सकते, ऐसी दिल को भड़ास निकालने की, हमारे पॉलिटिशियंस जितनी बात तुम बुराई करते हैं, उन्हीं को देख देख के ना दिल वो हो गया, अब नहीं करता पॉलिटिशियन करने को, कहते हैं कि नहीं अच्छा सोचो, किस बात पे गुस्सा आ जाता है, इनकी बातों के हालात देख देखते, अब ये दिस इज द टाइम, ये टाइम बी यूनाइटेड, बहुत हो गया तेरी मेरी मेरी तेरी, अभी जरा मुल्क के लिए काम कर लो, जनरली मैं एक बात कर रही हूँ, अगर करना भी है तो बेहतर यही है कि एक अभी यूनाइटेड हो जाए, मुल्क को ठीक करें, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, लोगों की तालीम पे फोकस करें, मुल्क को कुछ बना दें, उसके बाद मुल्क तो आप ही का है, चलाना तो इन्हीं लोगों ने है ना, इन्होंने नहीं चलाना है, इन्होंने चलाना, क्यों हम आपने नहीं चलाना, हमने सबने मिलकर नहीं चलाना, पब्लिक है ना, हम तो वोट कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से खड़े हो रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारी जरूरत है हम वहाँ खड़े होते हैं, अगर हम खुद ही ठीक नहीं है, हम खुद ही अपनी कैपेसिटी में दो नंबरी कर रहे हैं, तो फिर आप कहते हैं हुक्मरान ऐसे, आपको हुक्मरान मिल गए, अब कोई भी चीज ऊपर नीचे होती है, इनका आगे से ये जवाब आता है, क्या करें जी पीछे से ही चीज ऐसी आ रही है, पीछे कौन है, कहाँ से पीछे से चीज ऐसी आ रही है, इतनी पैशनेट स्पीचेस को तो आप पार्लियामेंट में भेजें
औरतों की स्पेशल रिजर्व सीट पे होना चाहिए। मैं खामोश हो गया, मैंने कहा इसके बीच में मैं बोल दूंगा तो मार देगी तो। इतने गुस्से, बहुत पैशनेट हैं आप भी अपनी वालदा की तरह। यार हौसला करें। इसलिए हूँ साजिद भाई, जब आप दूसरे मुल्क देखते हैं ना तो दुख होता है। दुख होता है। आप कहते हैं आपका मुल्क अभी कितने मुल्क, अगर मैं जनरली बात करूं लोग कहेंगे दुबई की बात करती रहती हूँ क्योंकि ये तो दुबई में रहती है, तो वो जज करने आ जाते हैं। बट द पॉइंट इज कि दुबई को और पाकिस्तान को बने हुए कितना अरसा, पाकिस्तान उससे पुराना है, अब तक पाकिस्तान को कहाँ जाना चाहिए। मालकाना हकूक पे। और सारे ये भी बता दूं, हर बंदा हमारा मुल्क का पॉलिटिशियन है, किस पे, सोशल मीडिया। तो इसमें क्या बुराई है? देखिए मैंने आपको बहुत सारी बातें बदिया की सुना दी है, एक दफा भी इंटरप्ट नहीं किया। आप देख लें, मुझे कहा गया था आप साजिद भाई ये बहुत अच्छी अच्छी तकरीर करें। छोटा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि बड़ी सीरियस हो गई है बात। वापस आके एंटरटेनमेंट के बारे में बात करेंगे। वेलकम बैक टू मदीना। आप देख रहे हैं जिंदगी विद साजिद, मेरे साथ हैं रेहाना और मदीना इफ्तिखार। रेहाना से बात करते हैं, ये तो बहुत पैशनेटली ये आपने बिगाड़ दिया है। ये आप देखती रहती हैं उल्टे सीधे सियासी प्रोग्राम, वो मना करती है लेकिन आप क्योंकि उसको पैनिशनली देख रही होती है, वो देख रही है माँ की तबीयत खराब हो रही है तो वो भी इन्वॉल्व हो गई। अब देखिए इसने कितनी लंबी तकरीर की है, ये खुद तो बैन होगी मुझे भी करवाई। नहीं नहीं नहीं, खुद ही ऐसी है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो अपना। हाँ ये देखो तुम्हारे से तो अलग अलहदगी का, ये आपका अपना बयान है, इन्होंने पाकिस्तान में रहना है। थैंक यू वेरी मच। देखिए पाकिस्तान में कितने डिविजन हो गए, माँ ने बेटी को मेरे प्रोग्राम में अबैंडन कर दिया। वेल डन। अच्छा ये तो आप लोगों की आपस में कोई सियासी कोई मुख्तलाफात तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई ऐसा तो नहीं कि आप एक पार्टी को कर रही हो? नहीं नहीं नहीं। अच्छा एक मिनट, मदीना ये जो बातें कर रही हैं आपको पता अगर नहीं है तो बहुत मशहूर अदाकारा है। आइए इनका छोटा सा एक प्रोफाइल दिखाते हैं आप। देयर शी इज, ओ माय गॉड, ब्यूटी एंड बीस्ट। ओ माय गॉड, ये बगीचा। अच्छा ये बेबी, ये बेबी। ओह दैट्स नॉट मी, आई नो ऑफ कोर्स, दैट्स टू ओल्ड बाय नाउ। मेरी बड़ी बहन, माय हस्बैंड, माय सिस्टर, नेफ्यूज, नीसेस। वाओ, दिस इज, किसकी शादी है? माय नेफ्यू। अच्छा बाकी से वो ये अच्छी बात मैं देख रहा हूँ कि तुम लोगों ने तस्वीरें बड़ी खींची हुई है। अब्बू को बहुत शौक था ना, ये अब्बू का शौक लग रहा है मुझे, है ना। अब देखो, आप देखो कितनी बड़ी बात है कि अब हम देख रहे हैं। शमून भी नजर आया मुझे। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है क्या? हाँ, शमून इज माय ब्रदर, भाइयों की तरह सबके। शमून भाई, शमून भाई। मेरी दादी, अब्बू, अम्मी, cousins. Oh, this is the shadi, yaar. Rihanna, you are looking like somebody else, yeah. But still, now you're looking much more beautiful. ये मैं देख रहा हूँ। क्या बात? ये मैंने सुना है आपकी सबसे बिगड़ी हुई औलाद। ये सबसे अच्छी औलाद। बहुत प्यारी, प्यार करने वाली, माशाल्लाह, बहुत ख्याल करने वाली। ये भी बहुत अच्छी है, आपने सिखाया इसको सही। चारों माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, बहुत ख्याल करने वाली। आपकी सबसे लाडली कौन है चारों? सबसे लाडली तो सारी लाडली होती है, जाहिर नहीं, आप ये डिफरेंट। अगर मैं ये कह दूंगी कि लाडली एक है तो दूसरी नाराज हो जाएगी। वो तो उससे कर दी है अपने आप को, आपने देखा ही नहीं, इशारा भी कर दिया यूं करके उससे। कह मैं और यही मशहूर है सबसे ज्यादा, बाकी को तो ये भी है लाडली, वो भी है, इतनी मशहूर लाडली है ये तो सबको पता है, मैं बहनों को भी पता है माँ की बड़ी लाडली। हाँ, तो जेलस नहीं होती तुमसे? हाँ नहीं, बड़ी बहन है, उन्होंने क्या। मैंने तो सुना है जो लड़कियाँ होती हैं वो अपनी माँ से लड़ती बहुत हैं। हाँ ये है, ये है। यार रेहाना आपने बड़ा कन्फेस कर दिया, खुदाई कसम। हाँ, हो जाती है बाज़ दफा, किससे, बाज़ दफा छोटी छोटी चीजों पे। अम्मी ऐसे ना करें, ऐसे क्यों कर, आजकल के बच्चे जो है ना वो हमें आपको नहीं पता। नहीं अम्मी, आपको नहीं पता, हमें समझा रहे होते हैं, हमने सारी ज़िंदगी गुजारी है, अब आज के बच्चे हमें समझा रहे हैं अम्मी ये क्या कर रही हैं, ये इस तरह नहीं होता, ये इस तरह नहीं होता। उसमें मुझे गुस्सा आ जाता है कि भाई हमने लाइफ गुजारी है, तुमने गुजारी, हमारे बच्चे हो गए ना, लेकिन आप भी बच्चे। ऐसे लगता है कि जैसे हम बच्चे हो गए और ये हमारी माएँ बन गई हैं सारी। आजकल तो सारे बच्चों का यही हाल है, जहाँ जाओ हर बच्चा यही कहता है कि हमारी अम्मी ऐसी थी, हमारी अम्मी ऐसी। मैं खुदा के वास्ते, मैंने कहा हमारी जो लाइफ थी ना, बहुत प्यारी लाइफ थी, सीधी जो बात है। मैं कहा आजकल का जो दौर है ना, वो देखते हैं ना
तो मैंने कहा मुझे मुझे मैं ना उसको हजम नहीं कर पाती हूँ, है क्या चीज, अजीब से हालात हैं, क्या कुछ है, कौन से हालात आपसे हजम नहीं हो रहे, वो जो कुछ भी है ये सारा आज जो चल रहा है ना मीडिया में, जो क्या मैं बताऊँ, बस वो बर्दाश्त नहीं होते, बहुत नेगेटिविटी एटमॉस्फेयर आ गया है ना। तो अब ऑब्वियसली ये लोग तो उस जमाने से, हमारा तो हजार ही था प्यारा, अब ये कंपैरिजन हर वक्त सभी करते हैं, ये सब अम्मी ने अम्मी के एज के सब लोग क्या कंपैरिजन तो करते हैं ना। कितनी अजीब अजीब बातों पे अब झगड़े होने लगे कि खवातीन कपड़े कैसे पहन रही, हाँ ये फैशन कभी सोचा ही नहीं था हमने, अब देखें हमारे जमाने में एक से एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट लेके खवातीन आई अपने अपने हिसाब से चली, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अगर कंजर्वेटिव हैं, सब कुछ करें, आप जो मर्जी करना चाहें करें, लेकिन दूसरों को रोकना, दूसरों पे तनकीद करना, तो ये शाजिल ने बड़ा इस मामले में मैंने देखा कि बड़ा रोशन ख्याल आदमी, दो वजूहात हो सकती हैं, या तो रोशन ख्याल है या पैसे अच्छे नहीं बना रहा है कि वो एक एक्स्ट्रा आमदनी की जरूरत, आजकल तो दो जब तक काम ना करें तो नहीं चलती भाई गाड़ी, जितने भी आप कह लें कि एक बंदा करे आजकल नहीं ऐसा। और फिर दुबई में आपको पता कोविड के बाद एक्सपो ये वो तो वो एक रिसेशन आया, तो उसने इफेक्ट किया तुम्हें, बिल्कुल किया था, तभी हम लोग पाकिस्तान मूव हो गए थे और अब जो है वो दोबारा से हम लोग, लेकिन मदिया कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो आज़ादी जिस सांस में हम, उसमें खुशी है, मैं बहुत दुनिया घूमा लेकिन मुझे पाकिस्तान में अपने लोग बहुत प्यारे, गंदगी पसंद है आपको पाकिस्तान में, अपने मुल्क में ना वो कहीं नहीं है, जो आज़ादी आपको अपने मुल्क में है वो किसी मुल्क वो में नहीं, मैं बिल्कुल मानती हूँ हम बादशाह हैं अपने मुल्क के, ये तुम दुबई में जाके बदल गई हो, मैं चाहती हूँ मेरा मुल्क तरक्की अच्छा करे, खूबसूरत लगे, टूरिस्ट आते हैं, टूरिज्म को आप बढ़ाएं, लोगों को बताएं, टूरिज्म कैसे बढ़ाएं यार, तो हालात देखे ना आप, मुल्क को ठीक ही नहीं करे, फ्लड अर्थ को एक, क्या ये पहले कितनी दफा आए आपने तब भी नहीं ठीक किया, तभी कर लेते वेट कर रहे हैं, अब आगे जाके तो और खराब हो रहा है, गांव के गांव मिट रहे हैं, आप जिंदगियां बर्बाद हो गई, बच्चे मर रहे हैं, कुछ भी तो मतलब कितनी सारी चीजें मुल्क में हो रही हैं, मैं मान रही हूँ गवर्नमेंट क्या सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, बहुत सारी एनजीओस कर रही हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हम सब भी कर रहे हैं जो जितनी एफर्ट कर सकता है, मगर मुल्क को खूबसूरत बनाने में क्या मसला है, सफाई का क्या इशू है, सफाई का पैसे से लेना देना क्या है, आप ये बात मानता हूँ मैं तुम्हारी बिल्कुल, खुद तो हम साफ रहे और सफाई निस्फ ईमान है, exactly. बल्कि किसी अच्छे आदमी का पूरा ईमान है अगर आप देखें, अगर आप सफाई अच्छी रखते हैं, आप किसी गरीब को देखें उसका घर देखें, किसी का भी देखें, अमीर का देखें, गंदा होगा तो आप ये नहीं कहेंगे घर साफ कर लो, पैसा नहीं हमारे पास हम इससे घर नहीं साफ कर सकते, आप कूड़ा प्लास्टिक, मैं तो अपने पब्लिक अपने लोगों से कह रही हूं, गंदगी सब घरों के अंदर, इस्लामाबाद में नहीं करते थे ये सब, नहीं वहां नहीं, इस्लामाबाद में नहीं, वहां के सारे सरकारी अफसर हैं, सबके पास महीने के पैसे आ जाते हैं, आए यहाँ पैसे नहीं आते, यहाँ गरीब लोग बहुत ज्यादा आए, साजिद भाई सफाई तो सफाई में गरीब अमीर का क्या वो है, सफाई तो आप जानी आपके पास साबुन होगा तो आप, मैंने अगर आपसे बताऊं कि एक आदमी पाकिस्तान में जो गरीब है जिसको हम बिलो द पॉवर्टी लाइन कहते हैं, उसके पास सारी जिंदगी में एक शलवार कमीज होता है, तो ये एक भयानक हकीकत है, बिल्कुल है, उसमें हम अगर कहें कि यार ये आदमी वो नहीं, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आई उसकी वजह क्या थी कि वहाँ की जो क्वीन थी उसको जब पता चला कि लोगों के पास खाना नहीं है तो उसने कहा ये केक क्यों नहीं खाते, क्योंकि उसको तो पता नहीं था कि क्या हो, हम बहुत एक ऐसे डाइकोटोमस प्रॉब्लम में आ गए हैं कि रिच बहुत ज्यादा अमीर अमीरतर होता जा रहा है, गरीब गरीबतर, और ये कैपिटलिज्म का मसला, अगर हम किधर पहुंच गए, बाप कहेंगे यार ये क्या है, ये जिंदगी में साजिद हसन ने, आपने मैं जिंदगी के बारे में पूछना चाहता हूँ, ये तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी तो सियासी लग रही है बहुत ज्यादा, मेरी नहीं है, मैं तो एंटरटेनमेंट में आ गया हूँ, लेकिन वापस छोटा सा ब्रेक लेके खबरतियों साथ वापस आएंगे, यहाँ से निकले छोटा सा ब्रेक, जिंदगी में साजिद हसन कहीं मत जाइएगा, वापस आइए, यहाँ बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आ रही है, हम इनकलाब लाने वाले, वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं जिंदगी में साजिद हसन, और जिंदगी के अलावा सियासत पे ही बातें हो रही हैं, ये दोनों खवातीन जब से आई हैं स्टूडियो में मेरे लिए प्रोग्राम अजीब सा होता जा रहा है बहुत ज़्यादा, आपके मियाँ के बारे में हमने वो पैकेज बनाया हुआ, आप उनको देखते हैं पहले, हाय क्वालिटी टेक ये उनके बनाया हुआ यकीनन ऐड है, मॉडलिंग करते हैं, ओह देयर ही इज, गुड लुक, अच्छा इसी वजह से तो असल बात तो लुक्स थी इनकी, लुक्स हाँ लुक इट हिम माशाल्लाह, ये कहाँ की है,
ये इंडिया पाकिस्तान का यार, ये डायना के साथ हैं। ओए होए स्पोटेला, वाओ यार, लॉरेंस पूल, वाओ लॉरेंस पूल के, ये ईद का कोई था। ओह माय गॉड, दिस इज एब्सोल्यूट न्यूज़ टू मी बाय द वे। पीटीवी ये प्रीव्यू बोलते हैं। या आप दुबई में गए कहाँ गए? दुबई हर चीज एंजॉय करते थे माशाल्लाह। ये लास्ट में तबीयत काफी खराब रहने लगी, क्यों, क्या क्या हुआ आखिर में क्या तबीयत क्या खराब हुई? उनको 3000 स्ट्रोक हुआ। ओहो, उसकी वजह से भी बस, और भी उसके साथ साथ और बीमारियां सारी चलती रही। मगर आपने जिस तरह से उनकी खिदमत की है तो नो रिग्रेट्स होने चाहिए ना। मैंने तो उनको इस तरह ये अलबत्ता ये जो बैठी हुई है ना, इसको बड़ी रिग्रेट है कि ये नहीं थी और यूं था और वूं था। कोई बात नहीं मेरे बेटा, मैंने उनको नहीं, मुझे रिग्रेट नहीं है। मैं लास्ट बात अब्बू ने मुझसे ही की है। हाँ। जाने से दो मिनट पहले बात की है। मैं समझा नहीं, फोन पे वीडियो कॉल। अच्छा, तो मुझे ऐसे And what did he say? What was the last thing he said? के सुबह फजर की नमाज पढ़ना, और पढ़ रही है जाहिर है, और दूसरा शाजल ठीक है, शाजल से बात कराओ, शाजल से पूछा तुम्हारा काम ठीक चल रहा है। फिर मुझे कहते तुम कब आ रही हो, जबकि ईद थोड़ी करीब थी। तो मैंने कहा मैं ईद पर आऊंगी, लेकिन मैंने कहा अगर आप कहते हैं तो मैं कल आ जाती हूँ। तो कहते नहीं, अपने हिसाब से आओ, अपना देखो, दो तीन दिन में आ जाओ या ईद पर आ जाओ, तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, जब दिल करे तुम आना। फिर साथ ही मुझे बस लास्ट उन्होंने मुझे आई लव यू किया है, आई लव यू, और उसके दो मिनट के बाद उन्होंने, उनकी तबीयत फोन पर ही खराब हुई है, मेरे सामने ही खराब होना शुरू हो गई थी, और बस उसके बाद छोड़ी। अच्छी बातें करते हैं ना, अच्छी बात ये है कि जो लेगेसी उन्होंने छोड़ी है रेहाना, स्पेशली ये चैलेंज लोगों के लिए, उनकी जिनकी जिंदगी आसान। हम पाकिस्तान में, आप सच सच बताएं, क्योंकि आपकी तो बड़ी गहरी नज़र है, कि क्या हम अपने ऐसे लोगों से जो ज़रा फिजिकली चैलेंज्ड हों, जिनको दूसरे टाइप के, हम उनके लिए कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं? क्या हम एज ए नेशन, कौम की हैसियत से क्या हम सेंसिटिव हैं इन लोगों की तरफ, या नहीं है अभी तक? नहीं, बहुत है। हम लोगों ने तो इफ्तिखार ने, मैंने तो बहुत किया इन लोगों के लिए। हम चाहते थे कि हम प्रोग्राम भी हमने क्यों शुरू किया था, इसी वजह से तो शुरू किया था। बोलते आते अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, किसी को पता नहीं था डिसेबल लोग हैं दुनिया में या नहीं है, कहीं एक होते थे कहीं दो होते थे। अब तो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो भी डेफ हो जाते हैं, जो उनके माँ बाप हैं वो भी डेफ होते हैं, उनके कितनी कितनी फैमिली हैं जो ऐसी हैं। तो उनको देख के फिर हम लोगों ने ये सोचा था कि इफ्तिखार ने के भी, मैंने के भी, हमें कुछ इनके लिए करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमने ये बुक्स बनाई, फिर बोलते हाथ शुरू किया। नहीं, आपने तो किया। हाँ। मैं आपके, आपकी तो पर्सनल। हाँ। हम तो इसको डिनाई कर ही नहीं सकते। हाँ। वो तो मैं आपको इनसेंसिटिव हैं। हाँ, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक है ना, अभी तक इतने सालों की भी मेहनत के बाद बहुत एनजीओस काम कर रही हैं, अभी भी बहुत लोग काम करे, लेकिन फिर भी अभी तक गैप है। गैप फिर भी आप देखिए ना, आपके अस्पतालों में इस जिले में बहुत सारी चीजें नहीं है। बिल्कुल, मतलब बहुत ज्यादा इंटरप्रेटर चाहिए हॉस्पिटल में, इंटरप्रेटर नहीं है। कोई बीमारी तो हर जगह, बीमारी जो है ना उनकी समझ नहीं आती थी पहले की क्या बीमारी है। बेचारे इशारों में बताते थे, हाथ इशारा रख दिया, ये कर दिया, उनको समझ नहीं आती थी। अब इंटरप्रेटर हॉस्पिटल में होना चाहिए ताकि वो बता सकें कि क्या बीमारी बता रहे हैं क्या नहीं है। बीमारी उनकी कुछ होती थी बताते वो कुछ थे, और एक और चीज जो मुझे थोड़ा सा वो करती है, और मैं जब से मीडिया में आया हूँ तब से, क्योंकि मुझे देखा जाए तो वो तो कहते हैं ना मीडिया का बच्चा, क्योंकि बोलते हाथ शुरू 84 में हुआ, 35 में मैं पैदा हुई थी, तो वो थ्रू आउट बोलते हाथ में देखती गई। व्हेन आई वाज अबाउट 18 तो मैंने पार्टीशन एक सफ़र शुरू कर दिया, तो यू नो फिर एक्टिंग और वो सारा कुछ। उस बीच में मैंने बहुत कोशिश की कि कोई ऐसा शो इन लोगों के लिए बने, क्योंकि दुनिया में है, अगर आप देखें हर चीज़ का एक नीचे साइड विंडो चल रहा होता है जिसमें पूरा साइन लैंग्वेज हो रही है। बिल्कुल सच बात। उस वक्त के टाइम पे जब लोगों को नहीं पता था तब एक शो ऐसा बना और सबने देखा। अब जब इतना कुछ है, इतने आइडियाज हैं आपके पास, लेकिन आपने अभी भी इन लोगों को खींचा हुआ है, उसकी वजह तुम हो। नहीं, मैं नहीं,
तुम हो, उसकी वजह तुम हो, तुम्हें पाल पाल के बड़ा किया इफ्तिखार भाई ने यही करने के लिए। अब तुम करो ये। मैं बिल्कुल करना चाहती थी उस वक्त भी, अभी भी, और उसमें बहुत सारे हमारे ही बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। चलो तुम करो शुरू, हम तुम्हारे साथ देंगे सब मिलके। मैं तो तुम्हारे सभी साथ, और मैं कम से कम 22 करोड़ लोग हूँ। हाँ, अकेला नहीं नहीं, और जरूरी भी है। अब मैं कुछ उस पर भी देखती हूँ, जैसे मूवीज बताती हैं डेफ एंड म्यूट के ऊपर या डिफरेंट एबल्ड लोगों के ऊपर क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। पाकिस्तान में हम सबको मिलके ही काम करना, ये तो नहीं हो सकता। रियाना सूल तो यही है, यही सूल है ना। बिल्कुल, पर हम कर रहे हैं। मैं और अम्मी तो अब डेफ लोगों के लिए पहले भी करते थे, अभी भी कोशिश कर रहे हैं। हमारा करने तो वाले हैं कि अब नहीं नहीं जरूरी है, आप शुरू करें, आप मुस्तसलसल है, आप कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, ये जो आप बात कर रही थी अभी मदीहा कि हमारे यहाँ अभी तक हैंडीकैप लोग और इस किस्म के, हम ये टर्म भी अब पुरानी हो गई है, चैलेंज लोग, फिजिकली चैलेंज, यू नो, इम्पेयर्ड लोग, इन लोगों के लिए हमें यकीनन सेंसिटिविटी पैदा करनी चाहिए, सेंसिटाइज करना चाहिए, हमारे लोगों को समझना चाहिए कि एक बहुत मुश्किल जिंदगी है। हमारे मुल्क में बेनिफिट नहीं है यहाँ पे कुछ भी, बेनिफिट्स तो नहीं है कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी थोड़े थोड़े हुए हैं, जैसे फेयर्स में थोड़ा डिस्काउंट भी आई है, देता है इनको। लेकिन बसेस में इनके लिए जगह नहीं है, एम्बुलेंसेस इनके लिए स्पेशल नहीं होती है, हॉस्पिटल्स, बस स्टॉप्स, कहीं भी इनके लिए वो प्रोविजन नहीं है यार, कुछ भी। बड़ा अफसोस है। सिर्फ पार्किंग्स मिली हैं, वो भी अब्बू के टाइम पे जब बहुत बात हुई और इस तरह, फिर पार्किंग्स दी गई, फिर दोबारा जो अभी सब डेफ कम्युनिटी ने मिलके वो कुछ नहीं। बट अब देखिए इफ्तिखार भाई को इस बात पे तो सलाम के जो खिदमतें करके गए, लेकिन आप दोनों अब मुजाहिद हैं उस पूरी आर्मी के, तो वो एक बहुत बड़ा काम है मदीहा। तो मैं समझता हूँ कि आपको तो बहुत स्पेशल गिफ्ट है, क्योंकि आपके वालिद ऐसे, फिर आपको साइन लैंग्वेज जिस तरह से वो सिखा के गए हैं, आई थिंक आप जिस तरह का काम आप कर सकते हैं दोनों मिलके, रियाना जी खास तौर पे आप, आप पता नहीं कि कोशिश नहीं पक्का करके जाए यार, आपने अनाउंस करके जाऊंगी। हाँ कर जाए, बिल्कुल। देखिए इसमें सबसे बड़ा फायदा तो मैं ही समझता हूँ पाकिस्तानियों का, कि दुनिया में हमारी जब इमेज आती है तो लोग समझते हैं हम सेंसिटिव लोग नहीं है, हमारे यहाँ ये खराबियाँ, औरतों को हम मान, बहुत सारे प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ, और उसमें कुछ कुछ हकीकत भी होती है, ये नहीं है कि बिल्कुल इसका सारा ही अच्छा है, हमें भी अपने आप को देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो प्लीज आप मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तानी कौम से क्या कहना चाहेंगे, खास तौर पे अपने सियासतदानों से। अच्छे हो जाए और अच्छे काम करना शुरू कर दें, हमारे पाकिस्तान का ख्याल करें, हमारे गरीबों का ख्याल करें, भूखे लोग मर रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है, रोटी नहीं है, कुछ नहीं है, उनके हालात इतने बुरे हैं, आप इतना ख्याल करें कि उनको घर बना के दें, उनको खाने का उनका बंदोबस्त करें, उनके लिए इतना ख्याल करें कि वो बेचारे अपनी ज़िंदगी खुद जिए। ये इस तरह की सहारे की ज़िंदगी, एक दिन रोटी खाई दूसरे दिन नहीं खाई, बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हैं, बस उनके लिए ये कुछ कर लें तो क्या पता अल्लाह ताला इनके गुनाह ही बख्श दे इन्हीं चीज़ों के। हम सबके गुनाह बख्शते, आप भी अब दे दें। बस हम लोगों पे उंगलियां उठाने से पहले ना अपने गिरेबान में झांक लें कि हम क्या हैं, और अपने आप को ठीक कर लो। अपने आप को ठीक जैसे ही करना शुरू करेंगे ना, मुल्क क्या, लोग क्या, रिश्तेदार क्या, दोस्त क्या, जहां काम करें वो सब भी ठीक हो जाएगा। जस्ट स्टे पॉजिटिव और दिल खोल के लोगों से मिलो, दिलों में ग्रजेस रख के बुराइयाँ फैलाना, वो आपकी नेगेटिव वाइब्स जब पूरे एटमोसफेयर पर आती है ना, वो रेज हैं, वो कनेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं। तो अपने मुल्क को अच्छा बनाने के लिए पहले खुद अच्छा होना है, और हम ये काम कर रहे हैं कि हम जिनके लिए काम कर रहे हैं उनके लिए आप लोग भी अच्छा सोचें। स्पेशली मैं डिफरेंटली एबल्ड के लिए बात यहाँ पे करूँगी कि जितने भी हमारे इस तरह के लोग हैं, मैं स्पेशली बार बार ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अब जाके अब्बू के बाद ये बात रियलाइज़ हो रही है कि अभी भी बहुत गैप है, अभी भी बहुत सारे लोग काम करें लेकिन नजर नहीं आ रहे उनके लिए। ये जिंदगी है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जिंदगियां हैं, ये नहीं है कि भाई आप कूड़ा ना फेंकें या अपने आप को साफ रखें या ये नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग्स हैं जिनकी जिंदगी है और वो जिंदगी रुल रही है और उनको समझ ही नहीं आ रहा वो करें क्या। उनको जॉब्स दें, अगर आपके बस में है आप उनको नौकरियां दें, आप उनकी स्कूलिंग के लिए सिलेबस बेहतर करें, आप उनके लिए कोर्सेज रखें कोई जिसमें वेकेशन ट्रेनिंग्स हों औरतों के लिए कि वो अपने आप को खड़ा कर सकें, काम करें उसके लिए। वोकेशनल ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट, रियली इसमें बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग क्योंकि आप एम्पावर कर रहे हैं उस बच्चे को, उस इंडिविजुअल को, उस लड़की को, कि पूरे एक बहुत ही
मुस्तनद एक अच्छा कंट्रीब्यूटर बने सोसाइटी जी, और काम कराएं इनको, इनको इस नजर से ना देखें कि ये कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल ही हैं, जो हैं हम ही हैं, ऐसा नहीं है। हम जितने स्मार्ट है ना, हमसे कहीं डबल ट्रिपल स्मार्ट और इंटेलिजेंट ये लोग। एब्सोल्युटली राइट। और इनको आप प्लीज अपने इस्तेमाल में, मैं तो कहती हूँ यूज में लाएं, क्योंकि इससे ही बेहतर बनेगा। कोटा होना चाहिए इनका स्पेशल, और इसमें से जो आउटस्टैंडिंग लोग हैं उनको मौका मिलना चाहिए आगे आने का। हर तरह से मदिया जाते हुए आपने कितनी माशाल्लाह हंसी खुशी की बातें की हैं आपने और आपकी वालदा दोनों ने, कि मैं इंतहाई इंप्रेस हुआ हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग जाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो पाकिस्तान के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन किए, मैं खड़े होकर सलाम करना चाहता हूँ आपको। और मदिया इनका ख्याल रखना है, लड़ना नहीं है, माँ तेरे से ज़्यादा जानती है, तू माँ को ना सिखा। आपके पास आऊंगे, बस एक तो ये बात है। दूसरी बात, मैंने सुना तो गाना गाती है। किसने बोला? यार शाजिल बोल रहा था, बोले मुझे मतलब मुझे पसंद ही इस वजह से आई कि गाना गाती थी। शाजिल कह ही नहीं सकता ये। चलो कोई शेर ही सुना दो। अब्बू गाते थे एक गाना, हाँ वो सुना दो मुझे, इसकी वर्डिंग्स पूरी नहीं आती, मैं एक लाइन बता देती हूँ। वो उनको उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने सिखाया था वो था यार, पता कितना प्यार जाते हुए आप देने बड़े इफ्तिखार साहब की कोई आपने आखिरी में दिया। मैं बताती हूँ, याद करा दिया। वो था करार लूट, ऐसे करार लूटने वाले ना, जैसे वो बोलते थे ना उस तरह बताती हूँ। ओके बताएं। वो कहते थे करार लूटने वाले तू करार को तरसी, मेरे प्यार मेरे वफा को तरसी, ऐसे बोलते थे। इतना मुझे देख के ना मेरा दिल वो होता था कि काश अल्लाह जुबान लग जाए इनकी, बड़ा ही वो होती थी कि काश। अच्छा ख्वाब में तो मैंने बहुत दफा उनको देखा है कि सुनते बोलते हैं, और जब मैं आंख खोलती थी मैं कहती अल्लाह करे ऐसा ही हो, कोई साइन मैंने कहा चले कोई अल्लाह ताला की देन है, जिस तरह भी बेहतर समझता अल्लाह ताला वही कर। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, यू आर वंडरफुल, बहुत बहुत अच्छी बात, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ करें। नहीं नहीं आपसे क्या, माफ करने में बड़ा ही है, यही मैं लोगों को भी कहता हूँ। मदिया थैंक यू वेरी मच, एंड यू आर अ वंडरफुल एक्टर, थैंक यू। बट ये जो अभी आप लोगों ने बीड़ा उठाया है मेरे सामने, इसमें हम आपके सब शामिल हैं, एआरआई आपके साथ शामिल, थैंक यू सो मच, पूरा पाकिस्तान की कौम आपके साथ शामिल है, इंशाल्लाह। जी खवातीन हज़रात, ये थी दो खवातीन, पाकिस्तान का एक बहुत ही मुस्तनद इदारा खुलने वाली हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इनको सपोर्ट करें, हमें बड़ी ज़रूरत है अपने आप को सेंसिटाइज करने की। हम कहीं ज़िंदगी के मेले में, सियासतों में, खेलों में भूल जाते हैं कि कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी आसान नहीं, तो उनके लिए आसान करनी चाहिए।